वेलकम बैक गाइस, माय यूट्यूब चैनल इसरार स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। यह खासकर हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए विशेष कारगर होगा। तो अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो इसको धैर्यपूर्वक पढ़ें और नोट्स बनाते जाएँ। यहाँ पर आपको पर डे चैप्टर वाइज सभी नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप क्लास 11 की नोट्स पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल इसरार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए हम आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड लोगस, बायो तथा लोगस। ठीक, बायो प्लस लोगस। बायो के जनक है अरस्तु एंड बायो मीन्स लाइफ यानी जीवन, लोगस मतलब स्टडी यानी अध्ययन। ठीक, यानी बायो दो शब्दों से मिलता है, बायो प्लस लोगस। ठीक, बायो दो शब्दों बायो तथा लोगस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन तथा लोगस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो साफ शब्दों में हम अगर बायो का बायोलॉजी का डिफिनेशन दें, यानी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ यानी जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान वर्ड का यूज फर्स्ट टाइम लैमार्क एवं ट्राइबिनेरस ने सन 1801 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइनर में क्वेश्चन आ सकता है। ये जीव विज्ञान की शाखाएँ, जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएँ हैं। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को हिंदी में कहते हैं बायोलॉजी। जंतु विज्ञान यानी एनिमल का स्टडीज में करेंगे हम, बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं जूलॉजी, पहला जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, सेकंड बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी कहलाता है। जिस शाखा यानी जिस ब्रांच के द्वारा हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वह हमें उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। दूसरा एंड सेकंड है बॉटनी, हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं वह बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के जनक कौन से हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट टाइम जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं एंड जंतु विज्ञान के भी। अब कहेंगे आप जीव विज्ञान जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान होल बायोलॉजी होगा, जंतु विज्ञान स्टडी एक जंतु जूलॉजी हो जाएगा। जैसे जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हम जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं, यानी जीव विज्ञान के भी जनक को अरस्तु कहते हैं और जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। और आगे वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक, अब इतना तो हमने जान लिया कि क्या बायोलॉजी होता है, इसके जनक कौन से हैं, फिर इसकी शाखा कौन कौन सी है। अब आगे हम पढ़ते हैं सजीव यानी लिविंग, लिविंग कहते किसे हैं, जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण यानी न्यूट्रिशन, उपापचय मेटाबॉलिज्म, श्वसन रिस्पायरेशन, उत्सर्जन एक्सक्रेशन, गति मोशन, वृद्धि यानी ग्रोथ, जनन यानी रिप्रोडक्शन आदि क्रियाएं होती हैं
वे सजीव कहलाती हैं। ये सारे सारे जो फंक्शन होते हैं, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं जैविक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोलॉजी लैंग्वेज में सजीव कहते हैं, यानी लिविंग वर्ड कहते हैं, लिविंग कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए बंदर, मनुष्य, गाय, बकरी आदि सजीवों के लक्षण एवं जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे पढ़ाते हैं, क्या है पहला, फर्स्ट वृद्धि यानी ग्रोथ। जीवों के भार, आकार एवं संख्या में वृद्धि कर वृद्धि में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। यानी जीवों के भार में, आकार में एवं संख्या में यानी नंबर में बढ़ती, इंक्रीज होती है, इसी को हम वृद्धि कहते हैं यानी ग्रोथ कहते हैं। मनुष्य का वजन बढ़ता, मनुष्य के लंबाई में वृद्धि इत्यादि सजीवों के वृद्धि के लक्षण है। कौन कौन से हैं, मनुष्य के वजन में बढ़ोतरी होती है, मनुष्य के लंबाई में वृद्धि होती है, ये सभी लक्षण जो हैं ये वृद्धि के लक्षण हैं। कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे पर्वत, रेत, टीले। ठीक, रेत के कण जो होते हैं, देखिए धीरे धीरे वो एक टीले के रूप में निर्माण होता चला जाता है, ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे करके, बालू की हवाएं चलती हैं और वो ग्रोथ करता है। पहले छोटा सा रहता है रेत के कण, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं और बढ़ते 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 और ऊंचा हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है। ठीक, निर्जीव में होता है, सजीव में ही नहीं, निर्जीव में होता है। निर्जीव में वृद्धि बाह्य होती है तथा सजीव में आंतरिक होती है। यानी जो निर्जीव होते उसमें हमको दिखाई देता बाहरी वृद्धि होती है, जबकि निर्जीव में होती है इंटरनल होती है, और इसका क्या होता है एक्सटर्नल होता है, यानी बाह्य वृद्धि होती है निर्जीव में। विशिष्ट लक्षण, वो लक्षण जो सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं, ये लक्षण जो हैं सिर्फ सजीव में पाए जाते हैं, लिविंग में पाया जाता है। जैसे पहला, बहुकोष के जीव में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। सेकंड, पादपों पेड़ पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न होती रहती है, यानी जीवन भर चलता रहता है जब तक उसका जीवन काल होता है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आय तक होती है। वृद्धि के बारे में हम ये लक्षण दिखा रहे हैं, जैसे बहुकोशिकीय जीव में जो वृद्धि होती है उसमें कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। पेड़ पौधों में जीवन प्रति वृद्धि चलती रहती है, छोटे से बढ़ते बढ़ते बढ़ते। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आय तक होती है। ठीक, एक कोश के जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। जिस तरह से बहुकोशिकीय जीव अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं, उसी तरह एक कोश के जीव भी अपनी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल जैसे इसके हैं, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फिगर इसके दिए, अमीबा और पैरामीशियम का फिगर नीचे दिया है, इसको भी बना लीजिएगा। सेकंड करेक्टर इसका है रिप्रोडक्शन, हिंदी में जनन कहते हैं और इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। जनकों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी अपने ही जैसे ही संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अब जनन दो तरह का होता है, कितना होता है, दो टाइप का जनन होता है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर एक कोश के जीवों में होता है। किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकतर एक कोश के जीवों में होता है। नोट, जैसे इसका जनन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, कुछ विशेष बातें ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया जो ये लक्षण हम कैरेक्टर बता रहे हैं लिविंग वर्ड का, इसमें ग्रोथ बताया, दूसरा है जनन, तो इसमें नोट कर लीजिए जनन के बारे में जो है कैरेक्टर। जनन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन सभी सजीवों में नहीं होता है। निर्जीव में भी जनन नहीं होता है, जैसे सभी सजीवों में जनन नहीं होता है और निर्जीव में भी जनन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, कुछ सजीव ऐसे हैं जिसमें जनन नहीं होता, रिप्रोडक्शन की क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। सबको दिमाग में होगा कि रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, लेकिन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कुछ सजीव ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे खच्चर, बांध कामगार,
मधुमक्खी, बंद पुरुष इत्यादि जनन नहीं होता, इसलिए हम जनन सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। मतलब हम पार्टिकुलर नहीं कह सकते हैं कि जनन एक कैरेक्टर है इसका, है लेकिन एक पार्टिकुलर नहीं कह सकते हैं। ठीक, इसके कुछ लक्षण देखिए। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है, एक कोश के जीवों में अलैंगिक जनन होता है, यानी बहुकोश के जो जीव होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक केस एक कोश के जीव जो होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है। जीवाण यों प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा होता है। ठीक, जनन, ये सब जनन के बारे में बताया जा रहा है। कवक में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा तथा खंडन द्वारा होता है। ईस्ट एवं हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है, और प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्भवन द्वारा होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा ये करेक्टर है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, कोशिका जीव में कैसे होता है, जीवाणु में कैसे होता है, कवक में कैसे होता है, ईस्ट हाइड्रा में कैसे होता है, प्लेनेरिया में कैसे होता है, ये सब जनन के। अगला कैरेक्टर, दो पढ़ लिए हमने, ग्रोथ पढ़ा, जनन, अब तीसरा हमारा है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रिया है। हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रिया है। निर्जीव में मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं नहीं होती हैं। उपापचय क्रिया केवल सजीवों में संपन्न होता है, इसलिए यह सजीव का विशिष्ट लक्षण है। अब जैसे मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ने कहा ये तो कैरेक्टर है इसका, लेकिन देखिए सम कुछ ऐसे लिविंग हैं जिसमें कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकुलर रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है इसका, सजीवों का एक लक्षण है। जैसे मेटाबॉलिज्म है, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, मतलब ये तो पाया जाता ही सजीवों में ही है। ठीक, आगे उपापचय क्रिया के प्रकार, उपापचय क्रिया के दो प्रकार के होते हैं। पहला एनाबोलिज्म यानी उपपचय, कैटाबोलिज्म यानी अपपचय। पहला हम पढ़ेंगे उपपचय। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट अणुओं का निर्माण होता है। 6CO2+12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से बनाए गए C6H12O6+6H2O+6O2 यानी सरल अणुओं का जटिल अणुओं में टूटना। अब सेकंड अपपचय क्रिया, इसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में होकर ऊर्जा प्रदान करना, जैसे श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के अणु जल व कार्बन के डाइऑक्साइड में विघटित होकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चौथा कैरेक्टर है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टिबिलिटी। सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करके उसके प्रतिक्रिया करते हैं, उसे संवेदनशीलता कहते हैं। सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करके उसमें जो अपनी प्रतिक्रिया करते हैं उसे ही हम संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे जब शरीर पर चोट लगती है तो हमें अनुभव होता है कि चोट लग गई है। छुई मुई के पत्ते जो अगर आप देखे होंगे बायोलॉजी में, अगर पढ़ेंगे आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा ग्रेजुएशन में, छुई मुई के पौधे को आप जैसे ही टच करेंगे वो मुरझा जाएगा। ठीक, यानी जैसे जब शरीर पर चोट लगती है तो हमें अनुभव होता है कि हमको चोट लगी है, यानी बाहरी वातावरण से जो कुछ परिवर्तन हमको होता है उसका जो अनुभव होता है उसके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, अब चोट लगी
तो उसके प्रति जो हमने प्रतिक्रिया की यही संवेदनशीलता कहलाती है, यानी सेंसिटिविटी कहलाती है। बाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं बाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं का ढलना ढालना या अपने संरचना व उसकी क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, जिसे हम अनुकूलता कहते हैं। बाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना या अपने संरचना एवं क्रियाओं में जो परिवर्तन हम करते हैं उसे ही हम अनुकूलता इंग्लिश में एडाप्टिबिलिटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिए, गर्मियों के मौसम में शरीर से पसीना निकलना, ठीक, जाड़ों के मौसम में गर्म कपड़े पहनना, ये क्या होता है, जैसे जैसा मौसम होता है वैसे वैसे हम अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, इसी को हम एडाप्टिबिलिटी यानी अनुकूलता कहते हैं। तो आई होप आप सेंसिटिविटी एंड एडाप्टिबिलिटी संवेदनशीलता तथा अनुकूलता को अच्छे से समझे होंगे। आगे हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। जीवन चक्र कैसे चलता है, जन्म लेते हैं फिर वयस्क होते हैं, उनमें जनन क्रियाएं होती है, वृद्धि वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु हमारी हो जाती है, ठीक। सभी जीव जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, उनका जन्म होता है, वे विकसित होते हैं, जनन करते हैं और कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं और कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर उनका धीरे धीरे विकास होता है, फिर वो जनन करते हैं, फिर वृद्धावस्था आ जाता है और कुछ समय पश्चात उन वृद्धावस्था आ जाता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। ये हमारी लाइफ चक्र का डिफिनेशन से चलता रहता है। अतः जीवों में विविध क्रियाएं होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से जीवन चक्र कहते हैं, यानी ये सब क्रियाएँ होती हैं और इसी सभी को हम जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक। क्या होता है, जीवन चक्र लाइफ साइकिल सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। नाउ नेक्स्ट 6 हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, यानी कोशिका यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को हम जीव द्रव्य कहते हैं। सेल के बारे में हम आगे इस चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर ही है इसका। देखिए सेल दिया हुआ है, ये माइटोकांड्रिया है, ये केंद्रक, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रजलिका, और ये क्लोरोप्लास्ट, ये गाल्जी का है। इसके बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस फिगर को बना लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आगे सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं क्या होते हैं, कोशिकाओं से बने मिलकर बने होते हैं। जीवित जीव की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कोशिका ही होती है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जीवित कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये कोशिका ही होती है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएँ होती हैं। जीव द्रव्य में होने वाले समस्त भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और जीव द्रव्य वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रियाएं ही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या एक बार दोबारा सुनिए, जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जीव द्रव्य में होने वाले समस्त जो भौतिक फिजिकल एंड केमिकल परिवर्तन और जीव द्रव्य वातावरण के बीच अपना आदान प्रदान की क्रियाएं ही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। यह विशिष्ट लक्षण है, यह भी विशिष्ट लक्षण है, लेकिन हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन विशिष्ट लक्षण नहीं है। आई होप आप समझे होंगे इस बात को, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे मैंने लाइफ साइकिल को बोला भी ये विशिष्ट लक्षण है, मेटाबॉलिज्म को बोला भी ये विशिष्ट लक्षण है, प्रोटोप्लाज्म को भी मैंने बताया कि ये विशिष्ट लक्षण है। अब आगे देखिए, कोशिका ऊतक अंग और अंग तंत्र। हमारा बॉडी पहले सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, टिश्यू से बॉडी और बॉडी से पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। यानी मैंने बताया लिविंग वर्ल्ड का मेन लक्षण ये सेल है। जितने भी जीवी वर्ग हैं वो सब कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। पहले कोशिका बनता है, फिर कोशिका आगे चलकर टिश्यू का निर्माण करता है और टिश्यू मिलकर बॉडी बनाती है और इसी से हमारा पूरा होल बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड लिविंग
सेवंथ है क्या है, कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। कोशिका जीव के शरीर की, कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? पहला होता है प्रोकैरियोटिक और सेकंड होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीवाण, माइक्रो प्लाज्मा एक्सेट्रा, ये प्राचीन प्रकार की कोशिका होती है। दूसरा यूकैरियोटिक पादप जंतु कवक व प्रोटिस्टा आदि, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं, इसे आधुनिक प्रकार की यानी न्यू कोशिका कहते हैं। कोशिका संरचना जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है, ये भी ध्यान रखा, ये भी एक कोशिका संरचना भी जीवों की एक विशिष्ट लक्षण होता है। एक कोष के जीव जैसे कौन कौन से हैं, युगलिना, पैरामीशियम, अमीबा। बहुकोष के जीव पादप, मानव और मछलियाँ। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला कैरेक्टर मोशन, मूवमेंट, गति। गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। जंतु भोजन निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यह जीवधारियों का भी विशिष्ट लक्षण है, यानी मूवमेंट भी जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। तो हम आप वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आए चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।